दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मृत्यु के बाद भोज कर्ज लेकर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपके माइंड में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर इससे क्या नुकसान या फिर क्या फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कर्ज लेकर पिंडदान नहीं करना चाहिए। 13वीं के दिन मृतक के नियमित परिजनों के द्वारा किया जाने वाला भोज कर्ज लेकर नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने से मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृत आत्मा को इन बातों का बड़ा ही कष्ट होता है। वह मन ही मन सोचती है कि काश मैं अकेले ही ये कष्ट भोगता। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मृतक के परिजन को कर्ज लेकर भोज करने को मजबूर करता है, ऐसे इंसान को यमराज कभी भी क्षमा नहीं करते और उसकी मृत्यु के बाद उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं और फिर उसे वापस मृत्युलोक में भेज देते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में पूर्ण कर्म करने वालों के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, जो मनुष्य जीवित रहते पूर्ण कर्म करता है, उसे भी यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। लेकिन ऐसी आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक तक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। वही जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है, उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वह थर थर कांपने लगता है और यमदूतों से बार बार क्षमा मांगता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। दोस्तों, इसके बाद जब पूर्ण आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्गलोक भेज देते हैं, लेकिन पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नरक भेजते हैं और सजा पूर्ण होने के बाद वापस ऐसी आत्मा वापस मृत्युलोक भेजते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद भोज कर्ज लेकर क्यों नहीं करना चाहिए आप जान पाए होंगे। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। बाकी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।